वहीगामा प्रखंड अंतर्गत आदर्श ग्राम पंचायत साक के ग्राम हनी गांव के दलित टोला चरघरा के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहां के लोग आज भी सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से वंचित हैं, जिसको लेकर पंचायत समिति सदस्य अखिलेश यादव ने कहा कि दर्जन भर परिवार ऐसे हैं जिन्हें पीने के लिए पानी नहीं है, चलने के लिए सड़क नहीं है। इनको अगर पंचायत मुख्यालय आना पड़े या किसी बीमार व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल ले जाना हो तो करीब 8 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। गांव में आवागमन के लिए गड्ढों से भरा कच्चा रास्ता पगडंडियों से जाना पड़ता है और जो बरसात के दिनों में बंद हो जाते हैं। विगत महीने दिन कुछ दिन पहले 15 वर्षीय बालक महेश कुमार का निधन समय पर चिकित्सीय सहायता नहीं मिलने के कारण हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी व जिला उपायुक्त महोदय से मांग करता हूँ कि सड़क और पानी का वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, नहीं तो किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों को गोल बंद कर आवाज को बुलंद किया जाएगा। ग्राम पंचायत साख के चरघरा में यह बहुत ही सुदूरवर्ती गांव है। यहां पे आप देखे होंगे बहुत ही मूलभूत सुविधाओं से यहां के मजदूरों को, यहां के छात्रों को, यहां के नौजवानों को काफी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। आने जाने के लिए सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, मात्र एक चापाकल है, पढ़ाई के लिए कोई ना तो आंगनबाड़ी है और ना तो यहाँ पे अगल बगल में स्कूल है। यहाँ से 2 किलोमीटर स्कूल पड़ता है, जो आवागमन में काफ़ी यहाँ के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को समस्याएं का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ के प्रशासन से और यहाँ के विधायक और सांसद से यह मांग करते हैं कि साख का विकास मॉडल जो आपने आदर्श पंचायत का दर्जा दिया था, आज भी लोग उस विकास के मॉडल से कोसों दूर है। अभी एक छोटा सा बच्चा 14-15 वर्ष से चंदन कुमार, महेश कुमार का देहांत सड़क नहीं रहने के कारण रास्ते में हो गई थी। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि फिलहाल यहाँ पे एक सड़क और एक पानी की बहुत जरूरी है, उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, और नहीं तो यहाँ के आम आवाम किसान मजदूरों के साथ हम लोग मजबूत आवाज उठाएंगे और इन तमाम जनप्रतिनिधियों के खिलाफ गोलबंद होकर विरोध